हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक न्यू नोटिस बताऊंगा जो मध्य प्रदेश शासन ने जारी किया है। ये नोटिस राजीव गांधी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल के माध्यम से जितने भी नोटिस आते हैं या दोस्तों आपको प्लेसमेंट से संबंधित हो, एडमिशन एग्ज़ाम, तमाम जानकारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाती है और बहुत ही ज़्यादा विद्यार्थियों को इस चैनल के माध्यम से लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग जितने भी दोस्त हैं, अन्य पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थी हैं, उनको पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल के बारे में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दोस्तों आप तक जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो कॉलेज के माध्यम से नहीं मिल पाते हैं, वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं ये न्यू नोटिस क्या है जो कि राजीव गांधी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम नोटिस देख लेते हैं। ये नोटिस दोस्तों डाउनलोड कर लिया था मैंने, ये देखें दोस्तों। कार्यालय आयुक्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भोपाल, ये 23/7/2024 का ये नोटिस है। ये तकनीकी निर्देशक NIC सतपुड़ा भवन। दोस्तों, ये पिछड़ा वर्ग स्कॉलरशिप पोर्टल 2 सत्र 23/24 के संबंध में है। यहाँ पर दोस्तों उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शैक्षणिक सत्र 23/24 पिछड़ा वर्ग के नवीनीकरण छात्रवृत्ति आवेदन NIC को स्कॉलरशिप पोर्टल 2 से ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। पोर्टल पर्याप्त समय तक खोला जा चुका है। अब अतः NIC पोर्टल पर नवीनीकरण आवेदन हेतु आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, आप लोग OBC के विद्यार्थी हैं तो आप 31 जुलाई तक अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने नहीं करवाया है नवीनीकरण तो आप करवाएं, नहीं तो फिर 31 तारीख के बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगा और फिर आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण नोटिस था जो कि राजीव गांधी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ही दोस्तों और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मेरे पास आती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।